दोबारा जरूर आइए, ये हेल्दी खाना है। जल्दी फिर से आइए, गुड बाय। कैसी है मेरी प्रेसिडेंट? ये एक ऑर्गेनिक मार्केट नहीं बल्कि लॉटरी की दुकान है, देखिए कितनी कमाई हो गई मेरी। ऊपर वाले का शुक्र मनाओ। शुक्र है शुक्र है। बैक स्ट्रीट में जो औरत सूजन रहती है उसके कुछ ऑर्डर थे, तुमने जाकर दिए? हाँ दे दिए, कई सारे ऑर्डर थे, मैंने सभी ऑर्डर बराबर डिलीवर कर दिए। पूरे 142 लीराज हुए थे पता है, उन्होंने 150 दिया और कहा चेंज अपने पास रख लो, तुम्हें जो चाहिए उससे करना। इतने सारे लीरा देख के मैं बहुत खुश हो गया, बता नहीं सकता मैं। ऊपर वाले का शुक्र है, जितना शुक्र करो उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा बिजनेस इतना अच्छा चलाने के लिए। ऊपर वाले का शुक्र है, हट जाओ। बाप रे क्या कर रहे हो, उड़ा दोगे क्या मुझे? ओहो, ये गाड़ी का नंबर तो जाना पहचाना है। आइए मिसेस हुमा, कैसी हैं आप? बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, आप किसी महारानी से कम नहीं है। आपका स्वागत है, बताइए क्या हेल्प करूं आपकी? हेलो हेलो मैडम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे लगा नहीं था आप यहाँ आएंगी। मैं कई बार चाइनीज कॉलोनीज में गई हूँ कुछ चीजें लेने के लिए, तो ऐसी जगहों पर आने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्यों नहीं क्यों नहीं, मिसेस हुमा पूरी दुनिया घूम चुकी है, इन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैं मोहल्ले वालों को अच्छे से जानता हूँ, उन्हें आपको देखने में बहुत दिलचस्पी है। रुकिए मैं आपको उनका नाम बताता हूँ अभी, तरतार, किर्गिज, उज़्बेक, ये सभी आपको देखना चाहते हैं। हमारा मोहल्ला भी मिडिल एशियन कंट्री जैसा ही है बिल्कुल। पिछली बार जब यहाँ आई थी तो आपकी कार खराब हो गई थी, तो बताएंगी कि इस बार आपका कैसे यहाँ आना हुआ? बताएंगी क्या चाहिए? तुम कहना क्या चाहती हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल तुमसे ली हुई चीजें काफी अच्छी थी, इसलिए मैं कुछ यहाँ नया लेने के लिए आई हूँ, कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि हमारे प्रोडक्ट हमेशा A1 क्वालिटी के होते हैं। एक बार जो हमारी दुकान से चीजें लेता है वो बार बार आता है और वो बहुत खुश रहता है। आइए अंदर आइए, मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ। आइए प्लीज आइए। काश हम वो शैम्पू ना बेचते। बोल रही है? हमारी स्कीम बताइए विन-विन वाली। मुझे लगा तुम लोग मुझे अंदर ही नहीं बुलाओगे। मैडम आप आइए, मैं आपको ये चेयर ऑफर कर रही हूँ, पर हमारी चेयर थोड़ी चीप है और आपके लिए काफी सिंपल भी है। मजाक है मजाक है, बहुत मजाक किया है। बैठिए बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगी? मैं कॉफी पीना पसंद करूंगी। ठीक है मैं इस मोहल्ले की सबसे बेस्ट दुकान में जाके कॉफी लेकर आता हूँ। आप बताइए आप कैसी कॉफी लेंगी, शक्कर वाली या बिना शक्कर वाली, जो चाहिए बोलिए। नहीं शुगर मत डालना, शुगर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती और इस तरह की शॉप में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बिल्कुल सही कहा आपने, मैं अभी जाके कॉफी का ऑर्डर कर देता हूँ बिना चीनी वाली, है ना? मैं बस अभी आता हूँ, आप वेट कीजिए, गर्मी से पेश आना। और फिर हम कड़वी ऑर्गेनिक चॉकलेट्स इस चीनी के बिना कॉफी के साथ खा सकते हैं, क्यों है ना? ओके, पर बातें मीठी करेंगे। हाँ उम्मीद करती हूँ। तो बताओ तुम्हारे नॉवल का फर्स्ट पेज कब पढ़ने मिलेगा? एटलीस्ट एक पैराग्राफ तो जानना ही होगा। इट्स टू अर्ली, मेरे पास फिलहाल बस कुछ नोट्स है और कुछ नहीं। मुझे पहले एजेंसी छोड़नी होगी और उसके बाद ही मैं इस पर फोकस कर पाऊंगी। मैं काफी लकी हूँ पर ये डिफिकल्ट है, इतना सब कुछ लिखना और अच्छे से लिखना और उसे बराबर तरीकों से फ्रेम करना। सबको पढ़ने में इंटरेस्ट है, मैं जानता हूँ कि ये काफी मुश्किल काम है। स्पेशली पढ़ने वालों में इंटरेस्ट जगाना बहुत मुश्किल काम है, इस फील्ड में तो आपके पास पेशेंस का होना जरूरी है। ऐसे कई लोग हैं जो लिखते हैं लेकिन पब्लिश करने में डरते हैं। नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे नॉवेल्स पढ़े, पर थोड़ी नर्वसनेस तो होती है। ठीक है जब तक तुम नर्वसनेस को ओवरकम नहीं कर लेती तब तक हम किसी और के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स जो हम पब्लिश करेंगे या बुक्स कवर के बारे में और उसे कैसे डिजाइन किया जाए इसके बारे में। हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है और बैक पेज पर हम क्या लिख सकते हैं ये इंटरेस्टिंग होगा। सुपर, तुम्हें पता है वो एडिटर्स काफी अच्छा लिखते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी तो एक एडिटर ही हूँ, तो आई कैन डू इट। क्या तुम श्योर हो कि नहीं चाहिए? मैं श्योर हूँ क्योंकि मैं पिता पर्सन हूँ। और तुम्हें चाय कॉफी से ज्यादा पसंद है? हाँ ये बात सच है। ओके ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए खाना और चाय बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, पर अभी मेरा लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा तो मुझे जाना होगा। ठीक है फिर मैं तुम्हें एक स्मॉल ड्यूटी देता हूँ जो तुम्हारी असिस्टेंट एडिटर हो। फिलहाल एक बुक के काफी नए विजुअल आए हैं तो वो तुम्हें भेज दूंगा, तुम उन्हें देख लेना और मुझे बताना कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। ठीक है तो फिर मैं चेक करने के बाद आपको बताऊंगी। ओके सुपर। ओ मेरा सामान यहाँ है, मुझे लगा कि मैं डेस्क पर छोड़ आई। मिलते हैं। सी यू।
वैसे तुम काफी अच्छे स्टफ्ड ग्रेप और कैबेज रोल्स बना लेती हो, सच में। अगर मैं अपने कुक को यहाँ भेजूँ तो क्या तुम उसे रेसिपी बता दोगी कि तुम कैसे बनाती हो? ओ, रेसिपी नहीं बल्कि इसे कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगी। नहीं, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, सच में। तुम काफी टैलेंटेड हो और यही बात इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं ऐसे इंसान के साथ रही हूँ जिसका 2 महीने टेस्टिंग टाइम था, वो एक फोमी कैपेचिनो नहीं बना सकता था, तो मैंने निकाल दिया। बिल्कुल सही फैसला लिया आपने। बड़े अफसोस की बात है, वो इतना भी नहीं कर पाया। एग्जैक्टली, खाना बनाते वक्त सारी चीजें जरूरी है ना, जैसे कि अंदाज। सैनम इस मामले में कमजोर है, उसे ठीक से अंडा भी फ्राई नहीं करना आता, अब वो कभी चावल भी नहीं पका पाती है। खाना बनाने का जुनून होना जरूरी है, अगर वो ना हो तो फिर खाना नहीं बनता। पर उसके पास अलग टैलेंट्स हैं, है ना? मिस्टर मुजफ्फर, क्या मेरा ऑर्डर रेडी है? जी मिसेस हुमा, सब कुछ तैयार है, मैं बस 2 मिनट में आया। मैं इसकी अच्छे से पैकिंग कर रहा हूँ ताकि आपको ले जाने में तकलीफ ना हो, ठीक है? मैं भी आया। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, इट्स माय प्लेजर। वैसे इन सब का कितना हुआ? वैसे तो 440 टोटल हुआ है, लेकिन आप 440 दे दीजिए, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं। ये लो। क्रेडिट कार्ड, हमारे यहाँ कार्ड का सिस्टम अभी तक चालू नहीं हुआ है, I'm sorry। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। ओ, कोई बात नहीं, बाद में पे कीजिए, जब अगली बार यहाँ आएंगे तब दीजिए। यही तो खासियत है ना छोटी दुकानों की, कि आप पैसे बाद में चुका सकते हैं। कोई बात नहीं, वैसे ये आपको पता नहीं होगा ना। नहीं नहीं नहीं, ये है ना मेरे पास। देखिए, अगर आपके पास कैश है तो हम वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस हुमा, मैं तो यही दुआ करूंगा कि आपकी एजेंसी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, एक से एक ऐड बनाए और बहुत बहुत तरक्की करे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हैव अ नाइस डे, आप जब चाहे तब यहाँ आ सकती हैं। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। रुकिए, मैं सामान को गाड़ी में रख देता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, मैं इनके साथ ही हूँ, मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। हमारे मोहल्ले की आप सेलिब्रिटी हैं, सच कह रहा हूँ मैं। सामान रखो, फुल ऑर्गेनिक है। बाय बाय। यह जबरदस्त कार है। जब उन्होंने कार्ड निकाला तब तो मैं डर ही गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने 500 लीरा दे दिया और वापस चेंज भी नहीं मांगा। बहुत ही दयालु लेडी है ये। ऐसे लोग आजकल इस्तांबुल में मिलते कहाँ हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं। पार्टी करेंगे। अरे बाप रे, उसने सीधे 500 लीरा बेझिझक दे दिए। हाँ मॉम, बिल्कुल सही सुना आपने, उन्होंने हमें सीधा 500 लीरा दे दिए। वो हमारे प्रोडक्ट से बहुत ही खुश है। मिसेस मेफ की भी अपने ऑर्गेनिक माल से पूरी दुनिया को हिला रही है। आप देखना, हमारा ऑर्गेनिक बिजनेस अब कैसे आसमान छूता है। मॉम मुजफ्फर बेटा, तुम्हें हिसाब करना नहीं आता, अगर पैसे आते रहे तो तुम कैसे हिसाब रखोगे? और ये औरत तुम्हें आराम से धोखा दे सकती है, ये बहुत चालाक है, इसने पहले भी ऐसा बहुत बार किया है, तो मैं यहाँ पर रहूँगी। आप क्या बकवास की बातें की जा रही है, हम लोग संभाल लेंगे ना जो करना है। आप जाइए अपनी दुकान में बैठिए, आपके कस्टमर आपका वेट कर रहे होंगे, आप ऐसे बाहर कैसे घूम सकती हैं? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें किसने बुलाया? ये मेरा बेटा है और इसे प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, मुझे इसके हक की लड़ाई लड़नी होगी। मॉम, आपका बेटा बड़ा हो गया, मैं खुद की देखभाल खुद कर सकता हूँ, आप जाइए ना यहाँ से प्लीज। आप बहुत डिस्टर्ब कर रही है, देखिए आप अपनी दुकान में जाइए, आपके कस्टमर्स वेट कर रहे होंगे, ऐसे कैसे कर सकती हैं? आप जाइए ना, जब देखो डिमोटिवेट करती है मुझे, क्यों करती है? और हमने सब कुछ लीगली किया है। मुझे वो डॉक्यूमेंट्स देखने दो, अभी दिखाओ मुझे। क्या तुम्हें हमारे डॉक्यूमेंट्स देखने? अरे मुझे अभी लेकर आओ। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, अभी दिखाओ। मिस्टर जॉन, हम काम कर रहे हैं और ये रहे कलर स्केल्स। थैंक्स, पर मुझे ये 1 घंटे पहले चाहिए थी। मैं बाहर गई थी, मतलब बिल्डिंग के बाहर नहीं, बस यही डाउनस्टेयर्स। अच्छा, तो तुम अपने सेकंड जॉब को ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हो और पहली जॉब को नजरअंदाज कर रही हो, आई मीन दिस एजेंसी, है ना? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते, वो मेरा लंच ब्रेक था और मेरी मर्जी, मैं अपना लंच ब्रेक जहाँ चाहे कर सकती हूँ, क्यों, है ना? टेक्निकली हाँ। क्या तुमने इस कंपनी का प्रोजेक्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया? नो, नॉट येट। क्यों नहीं? क्योंकि कल शाम तक उसकी डेडलाइन है और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट रहे, उस पर और काम करना है मुझे। क्या यही वजह है? पक्का? यस, एग्जैक्टली। वैसे आज चॉकलेट कंपनी के पोस्टर्स आने वाले थे, क्या वो आ गए? बस थोड़ी देर पहले मैं उन्हें ईमेल कर चुकी हूँ। एनी प्रॉब्लम? नहीं, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इस एजेंसी को छोड़ने से पहले पूरा काम कर पाओगी या नहीं। मैं अभी उसी के बारे में सोच रहा था कि तुम वहाँ काम स्टार्ट करने के बाद क्या उनके लंच ब्रेक में यहाँ आकर काम कंप्लीट करने वाली हो? नाइस जोक। हाँ, मेरे पास अब सिर्फ 13 दिन है यहाँ रुकने के लिए और 13 दिनों में मैं अपना काम पूरा कर लूंगी। मैं आपका काम पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, मुझे लेने दो, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो।
हाँ पोलन, तुम्हारा स्कार्फ? नहीं वो यहाँ तो नहीं है। आप टेबल के नीचे क्यों? क्या तुम्हें कोई स्कार्फ दिख रहा है क्या? देखो ना उस तरफ देखोगी, शायद गिर गया होगा। देखो हाँ वहाँ देखो, यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं है, चेक कर लिया मैंने। हो सकता है तुम कहाँ गए थे? कैब में भूल गई होगी। हाँ क्या हुआ बोलो। हाँ, मैं 13 दिनों में अपना काम पूरा कर लूंगी, लेकिन आप क्या करेंगे इस बात को लेकर मैं ज्यादा क्यूरियस हूँ। आपको तो पोलैंड के साथ यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी भागना है। आप तो यहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहते हैं, और मुझे देखिए मैं तो यही डाउनस्टेयर्स नीचे रहूंगी और कभी भी आ सकती हूँ ऑफिस की हेल्प करने। लेकिन आप क्या करेंगे? हाँ आप इतनी दूर से ऑफिस यहाँ आकर ऑफिस का काम कैसे संभालेंगे? ये तो मेरी प्रॉब्लम है सलम, तुम्हें क्या करना है? हाँ ये आपकी प्रॉब्लम है, और उसी तरह से मैं भी अपने प्रॉब्लम्स को संभाल सकती हूँ। क्या वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जिंगल रेडी है? हाँ हमने उन्हें वो भेज दिए है। और वो टायर कंपनी का कलर स्केल? हाँ हो गया, प्रिंटर के पास भेजा है। हमें चॉकलेट कंपनी के डिजिटल्स पर काम करना है। आप मुझे बस बताइए, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं नहीं मुझे भी चीजों को संभालना है, समझ रही हो ना? मैं तुमसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम चॉकलेट्स खाओगी? देखो ये कितनी टेस्टी चॉकलेट्स है, ट्राई करो मजा आएगा। खा के देखो, मस्त है। देखो देखो आप ना बालकांश जाकर कलरफुल स्कार्फ खरीद लीजिएगा उसके लिए। चाय पियो। सनम अच्छा रेजिस्ट कर लेती है, फिलहाल ये रिजाइन नहीं करने वाली। पर मिस्टर जान सब कुछ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उनकी टैक्टिक है पहले उसे डराओ और फिर उसे ही चॉकलेट दो। वो बस सनम के साथ गेम खेल रहे हैं, वो उसके साथ एक साइकोलॉजिकल फाइट कर रहे हैं। जरा देखो तो सनम कितनी स्ट्रांग है। मुझे तो लगता है कि वो गिव अप कर देगी। गुलीज तुम हार जाओगी, मुझे यकीन है। देखो मिस्टर यिगित आ रहे हैं। ये मिस्टर यिगित आ गए, जाओ जाओ सब लोग अपना अपना काम करो, चलो 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 चलो। हेलो मिस्टर यीद, कैसे हैं? हेलो मिस डरन, मैं ठीक हूँ। कैसी हैं आप? बस काम करना शुरू है। आपने अपने न्यू ऑफिस के साथ क्या किया? ओह मैं आदत डाल रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प लगे तो हम नेबर्स ही हैं। थैंक यू। एक्चुअली मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। मैं खाने को लेकर काफी हेल्थ कॉन्शियस हूँ। सनम ने बताया था कि आपके पास रेस्टोरेंट की लिस्ट है जो उसने मुझे दी थी, तो काफी यूजफुल निकली। हाँ सनम को लोगों की मदद करना पसंद है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ वो कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही है, कहाँ चले गए वो? वो मिस्टर जान के रूम में है। कहाँ? मैं उसे बता देती हूँ। नहीं नहीं मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बी क्विक एंड रन। और क्या ये ठीक है? जो फाइनल ब्रीफ्स थे वो ऐसे नहीं थे, मुझे ठीक नहीं लग रहे, जरा चेक करो। क्योंकि उस फाइल की डेट ओल्ड है और ये हमारी एक्चुअल रिपोर्ट है, तो हम हमारे काम पर कॉन्सेंट्रेट करें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये तुम यहाँ कैसे? सीढ़ियों से। So funny bro, so funny. सनम मुझे तुमसे कुछ कहना था, क्या मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। नहीं वो बिजी है, हम यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तुम्हें दिखा नहीं देता क्या? थोड़ी तो तमीज रखो यार, क्या? हाँ हम वही चीजें बार बार चेक कर रहे हैं, डबल चेक। अब यही हमारी लाइफस्टाइल बन गई है जैसे। ये एक ऑफिस है और ये सब इस ऑफिस को बिलोंग करता है, इस फाइल्स को एग्जामिन करना हमारा काम है। जितना मैं जानता हूँ सनम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, मुझे पता है कि वो अपनी जॉब काफी अच्छी तरीके से करेगी और वो पब्लिशिंग हाउस में भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। सनम पे पूरा भरोसा है मुझे। ठीक है मिस्टर जान, फिर आप ये फाइल एक बार और चेक कीजिए और कोई गलती मिली तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाद में उस पर काम करूंगी। रोबोट जैसी बातें कर रही हो, मेमोराइज क्लीशेस। हाँ अगर आपको कोई भी गलती हमेशा मिलती दिखावा है तो... करती हो, यही तुम्हारी वीकनेस है। लेकिन आप मुझे बताइएगा, आप खुद नहीं कर पाओगे। हमें साथ में काम करना होगा, कहाँ जा रही हो? बाय बाय। सनम सुनो, सनम हेलो। अब हमारा काम एकदम इजी हो जाएगा, तुम देख लेना। हाँ सही कहा, हम सभी को यूज्ड होना पड़ता है। मैं तुम्हें मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था लेकिन तुम्हारा कॉल ही नहीं लग रहा। हाँ, वो मेरे टेबल पर रखा हुआ है और जब तक मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ तब तक देयर इज नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, मुझे कुछ दिखाना। वो डिजाइन जो मैंने तुम्हें मेल किया था ना कल रात को, वो आज मैं लेकर आया हूँ। वो मैंने प्रिंट कर लिया, शायद तुम्हें पसंद आएगा। ये देखो कैसा लग रहा है, देखने दो। ये जो लेफ्ट में है वो काफी अच्छा है और ये जो दूसरा है वो काफी इफिशियंट है, काफी अट्रैक्टिव सा है। ये ऑरेंज कलर बताता है कि ये फुल एनर्जी से भरा हुआ है और ये जो डिटेल्स है वो हिंट देते हैं इसमें जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे। सो ये डिजाइन और कलर काफी हार्मनी से भरे हुए हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं एक साथ। और कैरेक्टर के साथ आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है।
सनम तुम सुपर हो, मैं सच में तुम्हारे साथ काम करने के लिए बेताब हूँ, तो जल्द से जल्द हम काम शुरू कर देते हैं। I'm excited. मैं क्रिएटिव टीम के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ। मैं अभी ऑर्गेनाइज करती हूँ मिस्टर जॉन। ठीक है ठीक है, मैं अभी जाकर काम करती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू, बाय। ओके जीजे, लाओ मत। पोलेन यहाँ से घूम रही थी, ये काफी अच्छा है। ऑर्गेनिक मिफ के बे आ रही है, ओ वो इस बार क्या कहेगी जानता हूँ। कैसे हो मिस्टर निहार? थैंक यू मिसेस मिफ के बे। ओ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो, बोलते जाओ। क्या सुनना है? क्यों तुम यहाँ बातें करने नहीं आई? मैं यहाँ बातें करने आई हूँ। हाँ हाँ, अच्छा कहो ना मिफ के बे, बताओ कि मैं कितना अनयूजफुल हूँ, बताओ कि मैं कमा नहीं सकता, बताओ कि मैं यहाँ सिर्फ बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं करता, बताओ कि तुम अच्छा काम आ रही हो, बताओ मुझे कि तुम्हारी दुकान अब कस्टमर से भरी रहती है, खूब कमा रहे हो तुम, बताओ, ये सब सुनना है मुझे। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो, पर मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ इसलिए आई हूँ। क्या हुआ, क्या बताना है तुम्हें? बात उस्मान की है, उस्मान और लैला, उनकी एंगेजमेंट तो कर दी, वो लड़का बहुत छोटा था तब से हम उसे जानते हैं, उसने अपने माँ बाप को खो दिया, हमने ही तो उसकी परवरिश की है ना, तो मुझे लगता है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसे डिनर पर बुलाना चाहिए ताकि उसे पता लगे हम उसकी केयर करते हैं। हाँ मिफ के बे, काफी अच्छा आइडिया है, तुम काफी अच्छा सोचते हो, तुम्हारा दिल सोने का है मिफ के बे, तुम हर किसी की कितनी परवाह करती हो, हम उन्हें कब इनवाइट करेंगे? ठीक है, फिर आज हम उन्हें बुलाते हैं अपने घर। आज ही, आज रात को ही बुलाते हैं ना, मैं जाकर तैयारी करती हूँ। ठीक है, परफेक्ट, मैं उस्मान को कॉल करता हूँ और उसे आज रात को डिनर पर बुला लेता हूँ। हाँ, और तुम सब सामान ले जाओ, जो 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 भी सामान लगेगा सब ले जाओ तुम। अरे नहीं, मेरे पास ऑर्गेनिक सामान है ना, मैं यहाँ से क्यों लेकर जाऊंगी, मैं वही पकाऊंगी। अरे कुछ भी बोलते हो। ओके, तो सबसे पहले हम कैंपेन के लिए कलर स्केल डिसाइड करेंगे, ठीक है? यस मिस्टर जॉन, मैं संभाल लूंगा। अभी के लिए इतना ही है, आप लोग जा सकते हो। थैंक यू मिस्टर जॉन। सनम, डेरिन, तुम लोग यहीं रुको, बाकी सब जा सकते हैं। चलो चलो चलो, डिस्पर्स, कम ऑन। ओके डेरिन, उस लिस्ट को चेक करते हैं, हम देख लेते हैं कि सनम के लिए कोई काम तो नहीं है, क्योंकि सनम वैसे भी यहाँ आज ओवरटाइम करेगी। ओवर ड्यूटी भाई? वो टायर कंपनी के पैनल्स के लिए जो काम बचा हुआ था, याद आया तुम्हें? या वापस याद दिलाऊं मैं? ठीक है, वो हो गया है। हाँ मिस्टर जॉन, और उसे चेक भी कर लिया है, क्योंकि आपको आजकल डबल चेक करना पसंद है, इसलिए हमने चेक कर लिया। उस टेक्स्ट को एक बार रिवाइज करना होगा। आई डिड। उस प्रेस मीटिंग के विजुअल्स हो गए क्या? जान, वो भी हो गया है। लेकिन ये सब तुमने किया कब? क्या हो क्या रहा है और क्यों? जब से हमने रेड मोड कैंपेन का प्रोजेक्ट लिया है, हम ज्यादा काम करते हैं, हम काफी मोटिवेटेड हैं, इसलिए सब काम हो चुके हैं, फिक्र मत करो। वेरी नाइस, ब्रावो, वेरी गुड। तो अब जब सारा काम पूरा हो चुका है, तो फिर मैं यहाँ ओवर ड्यूटी क्यों करूँ? मैं जाकर अपनी पर्सनल चीजें करूंगी, तो आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, चलिए बाय, मैं चलती हूं। हाँ जरूर, अब कोई काम नहीं बचा है तो बाय। कौन है? हाँ बोलिए मॉम। तुम्हारी मॉम? आपने उस्मान को खाने पर बुलाया है? ओके ओके, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, ठीक है, बाय। तो फिर मैं जाऊँ? हाँ जाओ, आई होप तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको ना एजेंसी का नेम चेंज करना चाहिए, डबल चेक रखिए। Exactly. You're wonderful. John? Welcome. देखो हमारे यहाँ कौन आया है। पोलेन अपने भाई को यहाँ लाई है, मैं उससे मिलना चाहती थी। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो ना? हाँ, unfortunately. John ने मेरा अच्छा स्वागत किया था, thanks. Okay, come on, sit. Sit down. मैं कबे, तुम्हें अच्छा लगा? कितना अच्छा खाना है, टेस्टी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। मेरी प्यारी मैप की बे आंटी, ये कितना अच्छा है, और लेके खाओ ना। बहुत टेस्टी खाना है, मजा आ रहा है मुझे। थैंक यू सो मच बेटा, और खाओ। उस्मान बेटा सुनो ना। हाँ अंकल निहत। तुम हमारे बेटे जैसे ही हो, आखिर कहीं ना कहीं
हमने ही तुम्हारी परवरिश की है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच अंकल, आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। हाँ हम हैं, पर अब हम तुम्हारे साथ लीगली भी फैमिली बनाना चाहेंगे। तुमने हमारी बेटी लैला के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट की है और हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ जरूर देंगे बेटा। थैंक यू सो मच अंकल निहत, आंटी मैफ की बे, मैं मतलब हम सही वक्त आने पर सब करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, शादी के तैयारियों में बहुत पैसे लगते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे ना, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही? एक दिन तो ऐसा होने ही वाला है ना, तो इसमें गलत क्या है? और अगर ऐसी चीजें अक्सर पहले ही डिस्कस करते हैं तो? मेरा मतलब कि अभी वक्त है और ये मैं सोच समझ कर कह रही हूँ, और ऐसे बात करके आप लोग उस्मान को शर्मिंदा कर रहे हैं। इसमें शर्मिंदा होने जैसी कौन सी बात है, हम तो मदद की बात कर रहे हैं। तो उस्मान मेरा बेटा है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, हाँ मेरा बेटा है। थैंक यू सो मच अंकल निहत, आंटी मैफ की बे। पर हम वक्त आने पर इस बारे में बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, पर और देर मत करना, ठीक है? अरे क्या तुम इसे नहीं खाओगी? क्योंकि तुमने सारी खा ली है ना, इसलिए। वो मुझे चाहिए, पेस्ट्री चाहिए। पेस्ट्री मैं देती हूँ। टेस्टी है बहुत। ओ पोलिन, तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बहुत ही अच्छा है, वेल एजुकेटेड, जेंटल। मुझे तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। मिसेस उमा, आप काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। और तुम भी बहुत हैंडसम हो। थैंक यू। हाँ मिसेस उमा, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल मेरा भाई एक सोशल पर्सन है, वो मेरे जैसा नहीं है, उसे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। हाँ हाँ, मैं काफी समय इस्तांबुल में रहा हूँ, पहले तो मुझे स्ट्रेंजर जैसा लग रहा था वहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें स्ट्रेंजर जैसा लग रहा है, ये गिट तुम्हारी खुद की एक अपनी स्टाइल है। तुम लोगों को अपने कार से उड़ाते हो और फिर उनसे क्लोज हो जाते हो, मानना पड़ेगा ये काफी यूनिक तरीका है सोशलाइज करने का। मतलब क्या मस्त क्वालिटी है, कहाँ से सीखी? मेरे भाई ये गिट बिल्कुल सही कह रहा है, ये सिटी हमेशा स्पीड में रहती है, तुम थोड़े टाइम के लिए बाहर जाओगे तो चेंज नजर आता है। हम तो हमेशा दोस्तों के करीब रहते हैं, तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो, फिक्र मत करो, और अब तो तुम एजेंसी में भी हमारे नेबर बन गए हो। पर तुम और जान मिले कैसे? हाँ ये सब एक्सीडेंटली हुआ है, वैसे भी मैं ऑफिस ढूंढ रहा था। हाँ काफी अच्छा कोइंसिडेंस, मुझे ये प्लेस अच्छी लगी। कोइंसिडेंस? हाँ, तुम लोगों को कार से उड़ा देते हो और फिर उसके बाद तुम उनके दोस्त बन जाते हो। जान ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जॉन मुझे तुमसे कुछ कहना है, वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो ठीक नहीं था, पर अब सब ठीक है, और सनम से मुलाकात होते मेरे लिए एक्सेप्शनल है। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे नया ऑफिस मिल गया और एडिटर भी, काफी अच्छा कोइंसिडेंस है मेरे ख्याल से, और सनम भी बहुत ही मेहनती है, इससे अच्छा कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। हाँ सनम काफी स्वीट गर्ल है और हार्ड वर्किंग भी है, हमारे साथ इतनी लॉयल नहीं रह पाई, पर आई होप कि तुम्हारे ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करे। हाँ मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर कामयाबी हासिल करेंगे, सनम काफी टैलेंटेड और क्लेवर लड़की है, शायद उसे वो नहीं मिल पाया जो वो चाहती थी। हाँ कभी कभी हमें पास की चीजें भी नजर नहीं आती है। ये लो पियोगे? नहीं मैं कुछ भी नहीं देख सकता जो मेरे सामने है। जान मेरे पास एक और ग्लास है, थैंक यू सो मच। चाय कड़क थी, अब मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, एक खास मकसद है। अरे बस करो ना मुजफ्फर। अरे नहीं नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए उस्मान का कमर्शियल बहुत जल्द टीवी पर आने वाला है, तो क्या है कि हमें परमिशन चाहिए कि आज की रात हम लोग जेजे के घर में पिता सके, क्या कहते हैं आप? हाँ? दोनों की परमिशन चाहिए, अंकल निहत, आंटी मैफ की भी। ऊपर वाले का शुक्र है, थैंक गॉड। ठीक है फिर, अगर तुम जाना चाहती हो तो अब सनम को अपने साथ ले जाओ, ठीक है? डैड वो नहीं आ पाएगी, उसे कुछ काम है, हम जाते हैं ना, प्लीज चलिए। और अगर साथ में गुलीज भी आ जाए तो चार चांद लग जाएंगे, वो क्या है ना, गुलीज बहुत स्वीट है, मुझे मजा आता है उसके साथ। ओ
ऊपर वाला मुझे सबर बख्शे। माइनस नहीं इसे। अगर ये जीत ने मुझे हिम्मत नहीं दी होती ना तो मैं बुक प्रिंट करने का कभी नहीं सोचती। सच में पोलिन, अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल नहीं होता तो हमारे बीच बात नहीं होती। वंडरफुल, बाय द वे ये कब लॉन्च हो रही है? इससे पहले मैं जाऊँ मुझे ड्राफ्ट बनाना होगा, पर मुझे पता ही नहीं है कि इसे कैसे बनाऊँ। जल्दी करना होगा। जल्दी, पर मुझे लगता है कि मुझे सनम से बात करनी होगी। तुम्हें सनम के लिए वेट करना होगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? उसे बहुत काम है, बहुत सारे काम, समझो। अब वो 12 दिन के लिए मेरे साथ ही काम करेगी। उसने आज मुझसे कुछ कहा तभी मुझे पता चल गया कितनी क्रिएटिव है। हाँ, उसके पास काफी ब्राइट आइडियाज है। तुम रुको, ठीक है? रुकना तो जान, शायद तुम्हें बुक के फोटोज भी लेने चाहिए। कैसा लगा आइडिया? मैं ऐसा नहीं कर सकता, और भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे यकीन है कि ये गेट फिर से अपनी कार से किसी को हिट करेगा और फिर उसे बेस्ट फूड फोटोग्राफर मिल जाएगा, और उसके बाद वो हमसे आके कहेगा कि ये तो कोइंसिडेंस है। That's enough, जान। उससे क्या फर्क पड़ता है नेचर की फोटोज हो या फूड की? हमें तुम्हारी फोटोग्राफिक स्किल्स की जरूरत है क्योंकि हम जानते हैं कि तुम ये बहुत अच्छे से कर सकते हो। मॉम, आप प्लीज भाई को इंसिस्ट मत कीजिए, हमें भाई की ऑफिस में जरूरत है। जान, बस तुम इतना कर लो ना प्लीज, इससे हमारे लिए एक अच्छी मेमोरी बन जाएगी। और देखो ये काम कितना अच्छा है, सबको कितनी खुशी होगी अगर तुम ये करते हो। और शायद जिगिट के कुछ दूसरे प्लान्स हैं। एक्चुअली नहीं, अगर जॉन एक्सेप्ट करता है तो मैं रेडी हूँ। हमारे लिए तो ऑनर की बात होगी क्योंकि जॉन एक जाना माना टैलेंटेड फोटोग्राफर है, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो मेरे साथ मिलकर काम करे, तो इससे मेरा काम भी काफी अच्छा होगा। जान, देखो तुम इतने अच्छे लोगों को रिजेक्ट नहीं कर सकते, प्लीज। तुम दोनों साइड से प्रेशर बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं करूँगा, ठीक है, पोलन के लिए भी। ओह, वो मेरी अच्छी दोस्त है। लेट्स सेलिब्रेट देन, कम ऑन कम ऑन। सुपर सुपर, चीयर्स। तो अब हम क्या करें भाई, हम भी सेलिब्रेट करते हैं। चलो आजा, तुम भी कर लो। ओके, वेलकम। ये तो बहुत अच्छा हो गया। वैसे मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज है, उसे मैं कल डिस्कस करती हूँ, ठीक है जान? सब अच्छा हो जाएगा। मुजफ्फर, अच्छा हो गया कि तुम यहाँ पर आ गए, वरना अंकल निहाद बस शादी की बात पर ही अड़े रहते और हम क्या करते। सुनो आयहान, मैं ना ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज किसी बुजुर्ग के हाथों में नहीं छोड़ सकता। आज रात को मेरे भाई का कमर्शियल लॉन्च है, मेरा भाई उस्मान जल्द ही टीवी पर नजर आएगा और पर्दा फाड़ देगा। मेरी मॉम बस एक बात दोहराती रहेंगी और फिर हम सबको परेशानी होगी। मुझे ये सब नहीं चाहिए था। उनका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था, वो तो बस इतना जानना चाहती थी कि आखिर तुम दोनों कब शादी करोगे। क्या तुमने कोई डिसीजन लिया है? मुझे भी जानना है, मैं भाई की शादी का इंतजार नहीं कर सकती। नहीं, हमने नहीं लिया, इतनी जल्दी हम कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ जल्दी सही, पर इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। हमें भी शादी करनी है, हम भी लाइन में खड़े हैं, सनम और मैं, उसके बाद मुजो भी है, क्यों है ना? है ना मुजो? तुम शादी के बारे में क्या सोचते हो, बताओ तो। तुम मुझसे ऐसी कोई सवाल कर रही हो, अचानक से शादी की बात कर रही हो, शर्म आ रही है मुझे। अगर तुम्हारे पेट में तितलियाँ उड़ रही हो और तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हें प्यार हो गया है तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। नेक काम में देरी कैसी, क्यों? आई होप कि तुम्हें मेरे जवाब से सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा। तो अब मैं ये सवाल गुलीस से पूछना चाहूँगा, देखते हैं कि गुलीस की शादी के बारे में क्या राय है। तो बताओ ना गुलीस, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? वो तो लक पर डिपेंड करता है, कभी कभी तुम्हें सोलमेट मिल जाता है, कभी कभी नहीं। मैरिज एक सीरियस इश्यू है। जी जी, अब तुम बात करो, तुम इस बारे में सोचते हो। ये कमर्शियल भी कब शुरू होगी कौन जाने। अरे देखो आ गया, उसने शादी का। प्लीज लाइट्स बंद कर दो, मुजफ्फर जरा वॉल्यूम तो बढ़ाओ, मूवी थिएटर का फील आना चाहिए। चलो चलो, शुरू हो गया। स्ट्रेस होती है, रूटीन बिल्स, स्कूल फीस, और शायद आप परेशान हो गए हैं और आप सोचने लगे होंगे। ओहो हो हो, उस्मान इसके एंड मत बताना, मुझे देखना है क्या होता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सब चुपचाप रहना। और अगर आप एक सलूशन ढूंढ रहे हैं, हाँ
द सॉल्यूशन यहाँ है, ट्रस्ट बैंक क्रेडिट कार्ड्स। आपके बिल्स, फीस, फाइन्स, वो सब ट्रस्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड से पे किए जाएंगे। ये जिंदगी आपके लिए खूबसूरत है। क्या बात है, हाँ, लेकिन ये इतना छोटा क्यों था, मुझे और देखना था, बहुत इंटरेस्टिंग था, ये मजा आ रहा था। ये काफी लॉन्ग वर्जन है, हम इसका शॉर्ट स्पॉट भी बना सकते हैं। क्या कह रही है? सच में मुझे तो लॉन्ग वर्जन बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आया, तो शॉर्ट स्पॉट कैसे समझेगा? मुजफ्फर, तुम ये कमर्शियल देखकर क्या समझ गए, जरा ये हमें बता सकते हो? प्लीज बताओ। एक बैंक है, ट्रस्टेड बैंक, जो क्रेडिट कार्ड बनाती है और देती है, लोग उसे लेते हैं और खर्च करके खुश होते हैं। हाँ बस इतना ही है, हम बस इतना ही चाहते थे, हम हमारे टारगेट कस्टमर तक पहुँच चुके हैं, हमें टोटल रेटिंग मिल गई है। हाँ बिल्कुल, बस ऐसे ही। सच कह रहे हो? वेरी गुड उस्मान। अच्छा सुनो गाइस, ये ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन अब हमें जाना चाहिए। ठीक हाँ, चलो चलते हैं, तुम घर जाओ, मैं लाला को छोड़ के आता हूँ। ठीक है? ठीक है भाई, मैं थोड़ा लेट आऊंगी। ऐसा क्यों लगता है कि मैंने पहले भी तुम्हें देखा है? बाय दोस्तों, बाय बाय बाय। चलो चलो, पिछली बार तो मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? प्लीज तुम चलो पहले। ठीक है, तो फिर जे जे मैं चलती हूँ। ठीक है, क्या बात है। मैं गुलीस को बाय कहकर आता हूँ। तुम जरा यहाँ बैठो, फिर से यहाँ शादी का टॉपिक निकला और तुमने उस बारे में कुछ नहीं कहा। कमर्शियल देखकर मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। जी जी, तुम शादी के बारे में क्या सोचते हो? मुझे कमर्शियल अच्छी लगी, ये काफी अच्छे से बनाई थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। कमर्शियल? क्या मैं तुम्हें इस बारे में पूछ रही हूँ, तुम हमारी शादी के बारे में क्या सोचते हो? शायद तुम्हें कुछ पार्ट्स अच्छे नहीं लगे, पर कुछ पार्ट्स काफी अच्छे थे। मुझे लगता है ये कमर्शियल टारगेट कस्टमर्स को जरूर हिट करेगा, यू नो। फिलहाल तो आई विल हिट यू और मैं तुम्हें जोर से मारूंगी। जा रही हूँ मैं, भाड़ में जाओ तुम। कभी कभी ज्यादा ही पागल हो जाती है। ओके। कितना अच्छा लगता है कि टीवी कमर्शियल पर किसी को देखना जिसे तुम जानते हो, काफी अजीब फीलिंग है सच में। क्या हुआ? जिसे तुम जानते हो? मेरा मतलब मेरा बॉयफ्रेंड, वो कमर्शियल कितना अच्छा लग रहा था। मेरा मतलब जनरली बता रही हूँ, जिसे हम चाहते हैं वो टीवी कमर्शियल पर दिखे। डार्लिंग, स्वीट हार्ट, कितने सारे वर्ड्स हैं पर तुमने कहा जिसे जानते हो। समझ रहा हूँ मैं उस्मान, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे माफ कर दो प्लीज। लैला देखो, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो हम। उस्मान ऐसा कुछ भी नहीं है। लैला मैं कितने सालों से तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है। हाँ उस्मान, और मुझे तुम्हारे साथ में रहना है। क्या सच में तुम चाहती हो? क्या सच में तुम मेरे साथ हो? क्या तुम्हें सच में मेरी जरूरत है लैला? देखो अगर तुम्हारे मन में अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे बता दो प्लीज, छुपाओ मत, इससे दोनों को नुकसान होगा। हाँ आई वॉन्ट इट उस्मान, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू, पर मुझे इसका प्रेशर फील हुआ आज, बस यही बात है और कुछ नहीं है सच में उस्मान। मैं समझता हूँ उस्मान। सुनो, मैं तुम्हें कभी भी परेशान या नाराज नहीं करना चाहती हूँ, कभी भी नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे और फिर भी शादी करोगे, इस बात से मैं नाराज होऊंगा लैला। हाँ सच में मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। ठीक है, हम लोग इस समय में जल्दी से शादी कर लेंगे, ठीक है ना? इसी समय में कर लेंगे, इस समर। हाँ हाँ, सोच लो, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ सच में। ठीक है ठीक है, अब जाओ, तुम्हें ठंड लग रही होगी। ठीक है, आओ गले मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
मुझे घर की चाबी नहीं मिल रही। See you. Hey Darren, बताओ सिचुएशन क्या है? मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कि आज जो ज्वेलरी की एड आई है वो सिर्फ सनम प्रिपेयर करेगी, पर कोई बात नहीं, हमारे पास काफी सारा वक्त है, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, कम टाइम पर हो जाएगा। ओके गुड, थैंक्स, थैंक यू सो मच। देखो उन्हें वो कितने सैड है, जब कोई काम ही नहीं बचा है फिर भी हमसे वो काम करा रहे हैं, जैसे उन्हें लगता है कि सब लोग उनके गुलाम हैं बस। प्लीज हनी डोंट प्रोवोक हिम, आज हम जैसे चुप थे चुप रहेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम है। ठीक है, कम ऑन सनम, चलो काम करते हैं। सनम तुम रुको, फिर से कोई काम आ गया। अनफॉर्चुनेटली यस, आई एम लिसनिंग मिस्टर जॉन। उसे जाने दो, रुको मैं गेट बंद करता हूँ, होल्ड ऑन। अरे नहीं, डोर मत बंद कीजिए मिस्टर जॉन, लोग गलत समझ लेंगे। रुको रुको, रुको रुको, खुश मत हो कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है। नहीं मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बल्कि इससे अपोजिट हूँ। मुझे नहीं पता ये 12 दिन कैसे खत्म होने वाले हैं, पर मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मेरे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वो क्या? मेरा एक दोस्त है, उसका एक ब्रांड नेम है, वो उसका कैंपेन हमें देना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है, पर उसके लिए हमें थोड़ा प्री वर्क करना होगा, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? ठीक है, फिर हम टीम को बुला लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, है ना? हाँ, हाँ, पर ये ऐसा नहीं रहेगा, मेरे दोस्त के कुछ रीजंस है, इसलिए वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहता है, और अब वो सिर्फ तुम हो जिसे ये बात की खबर है, तो तुम किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, ठीक है, सिर्फ हमारे बीच। अच्छा, तो क्या आपका फ्रेंड CIA से है? ठीक है ठीक है, तो फिर मुझे प्रोडक्ट की सारी जानकारी चाहिए और कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन भी मुझे चाहिए। उनका प्रोडक्ट है बॉल। बॉल? हाँ बॉल, बॉल जिसे हम खेलते हैं, यू नो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, हर तरीके का बॉल। और उसका नाम क्या है? हा? नाम है स्पोर्टिव लाइन। लाइन लाइन, ठीक है, फिर मैं इस पर रिसर्च कर लूंगी। और कुछ? ये हाँ, तुम लिखना शुरू करो और खड़ी मत रहो, आओ बैठ जाओ प्लीज, ये लो बैठो, आराम से बैठो। ओके बैठ जाओ आराम से। ओके मैं रिसर्च कर लूंगी इंटरनेट पे। हाँ, इंटरनेट की क्या जरूरत है, उनकी फिलहाल कोई वेबसाइट नहीं है, वो मार्केट में नए हैं, ब्रांड न्यू वन, तो इंटरनेट की जरूरत नहीं, तुम ऐसे लिखना शुरू करो। मैं उनकी लीगल वेबसाइट भी चेक कर लूंगी। क्या नाम बताया था आपने? स्पोर्टिव लाइन स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, पर उनकी कोई वेबसाइट नहीं है तो तुम्हें मिलेगी नहीं। नहीं है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो काफी नए हैं इसलिए अब तक कुछ है नहीं। तुम छोड़ो ना इसको, तुम लिखना शुरू करो। तो फिर उनके पास है क्या कोई विजुअल्स? नहीं है विजुअल्स, है ना, बॉल, कोई भी प्रकार का बॉल, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, बता तो सही मैंने तुम्हें। बॉल बॉल बॉल, अरे तुम लिखना तो शुरू करो, मैं बता दो ना मुझे तुमसे क्या चाहिए। लिखो लिखो, यहाँ जब भी तुम्हें कोई भी फ्री टाइम मिले तो तुम्हें ये काम करना होगा, ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट्स को डिस्टर्ब मत करना, तुम इस पे काम करो, पर इस बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, ये काफी जरूरी है, ठीक है, ये बात हमेशा अपने नहीं, दिमाग मैं में अंडरलाइन करती हूँ। हाँ अपने नोट्स बना लो, पर किसी को दिखाना मत। ठीक है, तो फिर मैं दोपहर को इस बारे में रिसर्च करूंगी और दोबारा आपके पास आऊंगी। हाँ पर बात ऐसी है ना सनम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें इस पर पूरे दिल से काम करना होगा, ठीक है, पर बिना किसी के पता लगे, जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले ना तुम इस पर लग सकती हो, और ऑफिस के काम को प्लीज निग्लेक्ट मत करना, ठीक है? ठीक है, ये काफी स्ट्रेंज है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में काफी सारे आइडियाज है पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब ठीक है, बॉल स्पोर्टिव लाइन, स्पोर्टिव लाइन बॉल, स्पोर्टिव लाइन बॉल, एग्जैक्टली। देखो हमें इस पर भी थोड़ा फोकस करना होगा क्योंकि आई रियली लाइक माय फ्रेंड और मैं चाहता हूँ कि उसकी कंपनी ग्रो करे, यू नो। हाँ हाँ हम जरूर इस पर काम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस पर अच्छा रिसर्च कर लूंगी। हाँ स्पोर्टिव लाइन बॉल। हाँ एग्जैक्टली।